नगर परिषद नीरचौक के पार्षदों ने नगर परिषद नीरचौक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों का कहना है कि नीरचौक नगर परिषद किसी भी वार्ड में काम करवाने में असमर्थ रही है। जो टेंडर नगर परिषद को मिले थे वो भी अभी तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नहीं लगा पाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने 6 महीने पहले उनसे इस्तीफा भी मांगा था, लेकिन इसके बावजूद भी नगर परिषद के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इसी को लेकर नगर परिषद नीरचौक के पार्षदों ने उपायुक्त ऋत्विक ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है। नगर परिषद नीरचौक के पार्षदों ने नगर परिषद नीरचौक अध्यक्षता व उपाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों का कहना है कि नीरचौक नगर परिषद किसी भी वार्ड में काम करवाने में असमर्थ रही हैं। पार्षदों का कहना है कि जो टेंडर नगर परिषद को मिले थे वो भी अभी तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नहीं लगा पाए हैं। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले भी उनसे इस्तीफा मांगा था। उन्होंने कहा कि बावजूद नगर परिषद के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। इसी को लेकर आज नगर परिषद नीरचौक के पार्षदों ने उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। वहीं वार्ड नंबर 1 के पार्षद रजनीश सोनी ने कहा कि उन्होंने आज DC को नगर परिषद नीरचौक की अध्यक्षता वो उपाध्यक्ष के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि सभी पार्षद यही चाहते हैं कि नगर परिषद नीरचौक अध्यक्ष वो उपाध्यक्ष के फिर से चुनाव करवाए जाएं। आज हमने नीरचौक जो नगर परिषद है इसमें जो हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है इनके खिलाफ हमने आज अविश्वास पत्र माननीय DC साहब को हमने आज दिया है, जिससे पिछले 7-8 महीनों से नीरचौक नगर परिषद में किसी भी वार्ड में एक समान विकास कार्य नहीं हो रहे थे और जो टेंडर थे वो टेंडर लगवा भी नहीं पा रहे थे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है। हमने पिछले 6 महीने पहले उनसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी मांगा था और नगर परिषद का बहिष्कार भी किया था, पर उनके कान से जूं तक नहीं रेंगी गई। और आज हमने इसके लिए DC साहब के पास चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास पत्र जमा कर दिया है और आशा करते हैं कि शीघ्र ही नगर परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के द्वारा चुनाव होंगे और इसमें हम सभी अपनी मर्जी से जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव करेंगे। जी आज हम DC साहब के ऑफिस में आए और हमने जो अविश्वास प्रस्ताव जो नगर परिषद के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के खिलाफ दिया है, मेरे साथ और हम सभी लोग जो पार्षदगण हैं हम 7 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम इनके जो कार्यों की वजह से असंतुष्ट हैं पूरी तरह से, इसलिए हमने जो अविश्वास प्रस्ताव आज यहाँ पर दायर किया हुआ है और हम ये उम्मीद करते हैं कि DC साहब हमारी विनती को सुनते हुए, हमारी प्रार्थना को सुनते हुए जल्द से जल्द इलेक्शन चुनाव करवाने की कृपा करेंगे।